हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि है रिगार्डिंग लीनियर रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। सो लीनियर रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग की आप बात करें तो मशीन लर्निंग क्या है? सबसे पहले एक एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन, ये है ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि फोकस करता है एल्गोरिदम की डेवलपमेंट पे। किसके ऊपर फोकस करता है? एक सेकंड लिख देता हूँ मैं। इट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम, डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम। सो ये जो फील्ड है वो डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम, और दूसरा है जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है। इन दो चीजों के ऊपर ये फोकस करता है। सो फ्रॉम दैट वी कैन लर्न फ्रॉम एंड मेक प्रिडिक्शन ऑन डेटा। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टू वी कैन लर्न फ्रॉम एंड मेक प्रिडिक्शन ऑफ डेटा। सो लीनियर रिग्रेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, मोर स्पेसिफिकली अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। जो लीनियर अलजेब्रा क्या है, यह मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम ही है। और अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो एक कौन सी का पार्ट है? सुपरवाइज लर्निंग का, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का ही एक ML का ही एक पार्ट है। दैट लर्न फ्रॉम द लेबल्ड डेटा सेट, जो किससे सीखता है? लेबल्ड डेटा सेट से सीखता है, लेबल्ड डेटा डेटा सेट से सीखता है। एंड मैप द डेटा पॉइंट्स टू द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड लीनियर फंक्शन, और इसकी मदद से वो क्या करता है, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड जो लीनियर फंक्शन है उसके उसको मैप कर देता है। देखो एक सीधा सा समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपने दो चीज़ें आप इसको दे रहे हो कि इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट बनेगा, इस पे ये वाला पॉइंट बनेगा, इस पे ये वाला पॉइंट बनेगा, इस पे ये वाला पॉइंट बनेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स बना लिए। तो इसने एक एक लाइन खींची और ये कहा कि इस लाइन के करीब ये सारे सारे पॉइंट्स हैं, लगभग इस लाइन के करीब ही है। तो एक मैप कर दिया है इसने, एक लीनियर फंक्शन को मैप कर दिया जो कि मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। वो कह रहा है कि ये जो लाइन है वो इन सभी पॉइंट्स के पास है। देखो ऊपर मैंने बना रखी है कि भैया हमने अलग अलग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स डाले, और कुछ पॉइंट्स डालकर हमने कहा कि ये जो लाइन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन है इन सब पॉइंट्स के लिए। बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड लीनियर फंक्शन है एक तरीके से। इसको क्या कह सकते हैं, बहुत ऑप्टिमाइज्ड लीनियर फंक्शन है। ओके, सो विच कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्शन ऑफ न्यू डेटा। अगर अब न्यू डेटा आया, हमने पूछा कि मान लीजिए कि यहाँ पर है BHK, या फिर बाद में कोई पर्सन है कि पर्सन वन होम लेगा या नहीं लेगा, या फिर उसकी सैलरी कितनी है। अगर 2 साल, यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिख दो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो सैलरी, सैलरी अर्न्ड बाय हिम और हर, वॉट एवर। सो 2 साल के लिए के ऊपर इतना मिल रहा है, 3 साल के एक्सपीरियंस पे ये, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। अब हमारे पास में एक नया डेटा आया जो 5 साल की, यहाँ पर आया नया क्वेश्चन, हमने पूछ लिया 5 साल के एक्सपीरियंस पे कितना मिलेगा, या 20 साल के पे कितना मिलेगा, या 40 साल के पे कितना मिलेगा आगे चलकर। तो हमने इसी लीनियर फंक्शन के आधार पे जो ये लाइन बनाई है, इसी को डिपिक्ट करते हुए हमने एक एक फंक्शन तो हमने क्रिएट कर लिया। मान लीजिए कि वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, y इक्वल टू, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा लेकिन ये है, मान लीजिए ये है। अब x की वैल्यू हमें आ गई कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसकी सैलरी क्या होगी, 2 × 10, तब 20 लाख या सब वॉट एवर इट इज, तो ये उसकी सैलरी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। आपने एक लेबल डेटा के आधार पे एक मतलब पॉइंट्स बना लिए, आपने सारे पॉइंट्स बना लिए, और उसके पास में हम एक ऐसा फंक्शन लीनियर फंक्शन ढूंढेंगे जो कि मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, जो इस पूरी जो पॉइंट्स है उन सबको रिप्रेजेंट कर रही है वो लाइन अधिकतर। देखो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती आती है, ऊपर नीचे 2-3 चीज़ें होंगी होंगी, लेकिन वो जो है वो उस उन सब चीज़ों को डिनोट कर रही है कुछ इस तरीके से, आप समझ सकते हो।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द एल्गोरिथम लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड डेटा। मशीन लर्निंग इस जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है या फिर बातें यही एक मशीन लर्निंग का मतलब पार्ट है, टाइप है। तो इसके अंदर लेबल डेटा से एमएल मॉडल सीखता है। जो डेटा सेट होता है वो लेबल्ड होता है हमारे पास में, लेबल्ड डेटा। अब आप बोलोगे कि लेबल्ड डेटा क्या होता है भाई साहब? लेबल्ड डेटा मीन्स द डेटा सेट हुज रेस्पेक्टिव टारगेट वैल्यू इज ऑलरेडी नोन। कुछ इस तरीके से कि हमने एक फोटो बना दी, उसके अंदर उसके नीचे लिख दिया कि ये है डॉग, या फिर दूसरी फोटो बनाकर ये लिख दिया हमने स्माइली फेस। तो ये एक तरीके से लेबल्ड है, ये सारा डेटा लेबल्ड है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग हैज टू टाइप्स। अब देखिए सुपरवाइज लर्निंग के भी दो टाइप्स हमारे पास में, कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप तो हो गया क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। और दूसरा हो गया हमारे पास में रिग्रेशन, रिग्रेशन ठीक है। सो क्लासिफिकेशन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्लासिफिकेशन क्या है। इट प्रिडिक्स द क्लास ऑफ डेटा सेट्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल। ये क्या करता है कि जो क्लास है डेटा सेट की वो उसकी क्लास को प्रेडिक्ट करता है। किसके आधार पे? जो इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल हमने दे रखे उसके आधार पे। इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल के आधार पे वो उसकी क्लास प्रेडिक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई फोटो दे दी उसको, कोई डॉगी की फोटो दे दी, तो वो उसकी क्लास प्रेडिक्ट करेगा कि ये डॉगी है या फिर बाद में कैट है या क्या है। आपने एक फोटो दे दी, ठीक है, आपने एक फोटो दे दी कार की उसे, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है गाइस, तो थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा समझ लेना यार मैं बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ये बस की फोटो मैंने दे दी उसको, तो उसकी क्लासिफिकेशन बताएगा कि ये किसके अंडर आता है, ये व्हीकल के अंडर आता है या फिर बाद में ये एनिमल्स के अंडर आता है या किसके अंडर में आता है, वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, इसकी क्लासिफिकेशन दे देगा। सो क्लास इज अ कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट वैल्यू। इट कैन बी अ कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल मीन टू से सपोज वी हैव टू कैटेगरीज हियर, मेल एंड फीमेल। तो बाय फेस वी कैन वी नीड टू रिकॉग्नाइज विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। तो यहाँ पर कैटेगरीज डिफाइन हो गई कि ये भैया मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। या फिर हम इस तरीके से उसको वो भी कर सकते हैं कि मेल के लिए तो 0 और फीमेल के एंड लिए फीमेल के लिए 1। 1, ये हमने डिनोट कर दिया। तो वो इस तरीके से भी आउटपुट दे सकता है कि 0 और 1। फिर बाद में इन सब से हम आगे चल के समझ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर है यार, मशीन लर्निंग है, वो तो इसी वे में आंसर करेगा। फिर बाद में उसको ये एक इनकोडिंग है, फिर उसको डिकोड करना पड़ेगा अपने को, तो वो सब अपन कर लेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि किस तरीके से उसको क्लासीफाई करता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से नाम से ही आप समझ जाओ कि क्लासिफाई हो रही है, कोई चीज क्लासिफाई हो रही है, हम चीजों को सेग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो लाइक द इमेज ऑफ एन एनिमल इज अ कैट और डॉग, इससे आप समझ जाओ, ठीक है। फिर अगला जो एग्जाम्पल है सुपरवाइज लर्निंग का, सॉरी अगला जो पार्ट है सुपरवाइज लर्निंग का वो है रिग्रेशन। सो रिग्रेशन क्या है? इट प्रेडिक्ट्स द कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इनपुट इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल। जो भी हम देखो, ये मान लो एमएल मॉडल है, रिग्रेशन एमएल मॉडल है, हम इसके एक तरफ से इनपुट मॉडल दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वो क्या करेगा, इसका कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल बताएगा, इसका कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल हमें देगा। ऊपर में क्या कर रहा था, ये क्लास बता रहा था, यहां क्या बता रहा है, ये कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल बता रहा है। देखिए समझिए, यहाँ रिग्रेशन वाला कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल बता रहा है, ऊपर वाला क्लास बता रहा है, दोनों में डिफरेंस है। एक ये कह रहा है कि डॉग है, कैट है, ये है, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा है 0, 1, 2, 3। यहां पर ये कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल दे रहा है, मतलब ये कोई भी रियल नंबर का कोई भी वैल्यू उठा के दे सकता है। जो सैलरी वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, 10 साल का एक्सपीरियंस आपने इनपुट में दिया, वो कह रहा है कि भैया 20 लाख सैलरी है या 20.5 लाख सैलरी है, ठीक है। इस तरीके से रिग्रेशन काम करता है। सो लाइक द प्रिडिक्शन ऑफ हाउस प्राइस बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक हाउस एज, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन रोड, लोकेशन एरिया। सो इस आधार पे हमने इनपुट में क्या दिया, हमने इनपुट में दिया कि भैया हाउस की एज क्या है, उसकी डिस्टेंस क्या है मेन रोड से, उसका लोकेशन क्या है,
ये उसके पैरामीटर्स हमने एमएल मॉडल के अंदर डाले। अब इन पैरामीटर्स के आधार पे वो आपको कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल के रूप में क्या देगा, उसकी प्राइस बता देगा, उस हाउस की प्राइस बता दे, भाई साहब ये जो हाउस है वो 1 करोड़ का है, ये जो हाउस है वो 20 लाख का है, ये जो हाउस है 50 लाख का है। तो ऐसा है भाई, देख हाउसिंग आज की डेट में बहुत ही महंगी चीज़ है यार, तो मेरे को मत बोल देना मैंने गलती से बोल दिया 20 लाख रुपए। कहीं आप मेरे को कमेंट कर दो कि भैया दिला दो 20 लाख का घर, 20 लाख में कोई घर नहीं आता है, खास करके बैंगलोर में, तो ये सब मत बोलना। देखिए यहाँ अपन बात करेंगे, अब हमारा जो मुद्दा है वो है लीनियर रिग्रेशन का। आप कहोगे भैया क्लासिफिकेशन ये सब, ये भी करेंगे, लेकिन अभी अपन लीनियर रिग्रेशन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग का, तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। वो सब चीजें आएंगी तब उनको भी पढ़ेंगे, सुपरवाइज लर्निंग को अपन डेप्थ में पढ़ेंगे जब वो चीज आएगी हमारे पास में। अभी हम क्या कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के मैथमेटिक्स सीरीज कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सामने, तो इसका समझते हैं। लीनियर रिग्रेशन क्या है भाई साहब, यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अब देखिए आपको समझ में आया कि लीनियर रिग्रेशन कहाँ से आया, सुपरवाइज से आया। सुपरवाइज का एक पार्ट है, दो पार्ट होते हैं वैसे तो, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। रिग्रेशन का पार्ट जो उसी का एडवांस बोल सकते हैं हम लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम है दैट दैट कंप्यूट्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट फीचर्स। देखिए देखिए बोला है इसने कि ये क्या करता है, रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और एंड एक या एक से ज्यादा, वन और मोर इंडिपेंडेंट फीचर। इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है इन दोनों के बीच में। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं, रिलेशन बिटवीन दोज टू डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट फीचर्स, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर इज वन देन इट इज नोन एज यूनिवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन। जब नंबर ऑफ ये जो इंडिपेंडेंट फीचर है, ये जो इंडिपेंडेंट फीचर है, अगर इसका नंबर है वन, अगर एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएंट, यूनिवेरिएंट, ठीक है। और अगर वो एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीवेरिएंट, मल्टीवेरिएंट मोर देन वन। तो आप कहोगे यार भैया एक एग्जांपल दे दो इसका, इसका एग्जांपल क्या होगा, मैं लिख देता हूँ मल्टीवेरिएंट। ऊपर से ही समझ जाओ यार, मैंने हाउसिंग वाला यहाँ पर एग्जांपल दिया था, यहाँ पर अपनों ने कितने फीचर दिए थे, एज दी थी, डिस्टेंस दी थी, लोकेशन दी थी, और अपनों को ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो इस इन सब चीजों के आधार पे डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप लीनियर रिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर फीचर एक है तब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक होता, एज होती या फिर डिस्टेंस होती मेन रोड से, या लोकेशन होती कोई स्पेसिफिक, कह दो भाई साहब मैं कोई पोश एरिया के अंदर, बैंगलोर के पोश एरिया के अंदर, यूबी सिटी के अंदर मेरे को घर चाहिए, तो भाई स्टार्टिंग प्राइस ही उसकी 1 करोड़ से होती है, तो कोई एक फीचर हो, या फिर मैं कह दूं कि भाई साहब मेन रोड से ही के पास में मेरे को कोई प्लॉट चाहिए, तो उसकी प्राइस जाती है। अभी मैं कह दूं कि भाई नया नया घर बनाया मैंने, तो नहीं नहीं घर की एज नई नई है, उसकी प्राइस हाइक जाती है। तो एक फीचर हो, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट फीचर हो उसका, और उसके आधार पे हमें प्रिडिक्ट करना हो, तो उसे कहते हैं लीनियर, सॉरी यूनिवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन, यूनिवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, वो है यूनि, यूनि मतलब एक, और जब एक से ज्यादा हो तो मल्टीवेरिएंट, एक से ज्यादा हो तो मल्टीवेरिएंट, ठीक है। एंड द गोल ऑफ द एल्गोरिदम इज टू फाइंड द बेस्ट लीनियर इक्वेशन दैट कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अपनी एल्गोरिदम का गोल क्या है, गोल क्या है अपनी एल्गोरिदम का, इस लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम का गोल क्या है, कि बेस्ट से बेस्ट लीनियर इक्वेशन को खोज के लाएं। लीनियर रिग्रेशन किस फॉर्म में होती है, एम एक्स प्लस सी, गाइज ये याद रखो, एम एक्स प्लस सी के अंदर ये हमारी क्या है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, हमें बेस्ट से बेस्ट जो उस पूरे मॉडल को फिट करती हो, देखो पूरे पॉइंट्स के आधार पे जो इसको फिट करती हो, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, बेस्ट से बेस्ट लीनियर इक्वेशन ढूंढेंगे जो प्रिडिक्ट करता हो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करता हो किसके आधार पे, इंडिपेंडेंट फीचर्स के आधार पे, किसके आधार पे प्रिडिक्ट करता है, इंडिपेंडेंट फीचर्स के आधार पे। देखिए हाउस के एज क्या है,
कोई डिपेंडेंट चीज थोड़ी ना है ये। हाउस के लेंथ कितनी है, ये कोई डिपेंडेंट है कि भैया साइज ऑफ हाउस कितनी होगी, ये इंडिपेंडेंट फीचर्स है। या फिर डिस्टेंस कितनी है उससे मेन रोड से, लोकेशन क्या है, ये सारे इंडिपेंडेंट फीचर है। लेकिन घर की प्राइस क्या है, ये डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, ये इन सारे फीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। द इक्वेशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स। द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स हाउ मच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस फॉर अ यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भैया जो उसका स्लोप है, स्लोप क्या बताता है भाई साहब, कोई भी चीज का, अगर आपने 12th क्लास पढ़ी है तो स्लोप क्या बताता है। ठीक है, टेन थीटा क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो असल में इसको अपन अगर ये बोले तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल। तो इस कितना मैं चेंज करूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज के आधार पे, तो कितना चेंज आ रहा है इसके वाई एक्सेस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वो उसकी स्लोप डिटरमाइन करती है, कि उसकी स्लोप जो है वो इसी चीज को डिटरमाइन करती है। ठीक है, सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट फील्ड्स इंक्लूडिंग फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, इन फाइनेंस लीनियर रिग्रेशन माइट बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनीज स्टॉक प्राइस एंड इट्स अर्निंग, और टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द करेंसी बेस्ड ऑन इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। मान लीजिए कि भाई साहब पास्ट के अंदर जो किसी भी तरीके से वो ऐसे 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 पॉइंट दे रहा था, ये सब पॉइंट दे रहा था, तो इसके आधार पे उसने कहा कि भाई साहब ये ट्रेंड करेगा, अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है या फिर नीचे की तरफ। मान लीजिए कुछ वो पॉइंट इस तरीके से है, ठीक है, तो आप कहोगे डाउन डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है या फिर अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, वो किसके आधार पे बताओगे आप, इसकी स्लोप के आधार पे, इसकी डायरेक्शन के आधार पे, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है लाइन, वो ऊपर से नीचे आ रही है नीचे से ऊपर जा रही है, ये चीज हमें समझना है। तो अप ट्रेंड कर रही है या डाउन ट्रेंड कर रही है, ये हमें समझने की जरूरत है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरवाइज लर्निंग टास्क इज रिग्रेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है रिग्रेशन। इन रिग्रेशन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट विद एक्स एंड वाई वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज आर यूज टू लर्न अ फंक्शन। सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिडिक्ट वाई फ्रॉम एन अननोन एक्स, दिस लर्न फंक्शन कैन बी यूज। अगर आपको मान लीजिए कि एक रिलेशन आपके ऊपर प्रोवाइड कर दिया हमने एक्स और वाई का, उसके आधार पे अपने एक इक्वेशन बना ली। मान लीजिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया है कि ये इक्वेशन आ गई, अब हमें अननोन एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू डालेंगे और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक्स की हम वो वैल्यू डालेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, वाई की एक वैल्यू मिल जाएगी हमें इसके आधार पे। तो ये इक्वेशन बहुत ही मेजर रोल अदा करती है। ठीक है, सो अ फंक्शन इज रिक्वायर्ड दैट प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस वाई इन दैट केस ऑफ रिग्रेशन गिवन एक्स एज इंडिपेंडेंट फीचर्स। सो एक्स हियर इज एन इंडिपेंडेंट फीचर। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट फीचर है। हियर वाई इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट और टारगेट वेरिएबल, क्योंकि एक्स की जो भी वैल्यू देंगे, वाई किसकी वैल्यू के ऊपर आधारित है, एक्स की वैल्यू के ऊपर। तो ये हो गया डिपेंडेंट, और एक्स क्या हो गया गाइज, इंडिपेंडेंट। एक्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। मेरे साथ में बोलिए गाइज, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज प्रेडिटर ऑफ वाई। इसको इंडिपेंडेंट को हम क्या बोलते हैं, कि ये भाई साहब प्रेडिटर है, प्रेडिक्टर है, सॉरी प्रेडिटर नहीं, प्रेडिक्टर, प्रेडिक्टर ऑफ वाई है, प्रेडिक्टर ऑफ वाई है। किसको प्रेडिक्ट कर रहा है, वाई को। एक्स किसको प्रेडिक्ट कर रहा है, वाई को। इसीलिए क्या हो गया, प्रेडिक्टर ऑफ वाई हो गया। ये क्या हो गया, प्रेडिक्टर ऑफ वाई। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस और मॉड्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिग्रेशंस। बहुत सारे फंक्शंस और मॉड्यूल्स हैं जो कि रिग्रेशन के लिए यूज में आते हैं। लीनियर फंक्शन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फंक्शन। हेयर एक्स मे बी सिंगल फीचर और मल्टीपल फीचर। ओके, सो दैट वी नीड टू कीप दिस पॉइंट इन आवर माइंड, कि इट कैन बी सिंगल फीचर और मल्टीपल फीचर। फॉर सिंगल फीचर इट इज यूनिवेरिएंट, फॉर मल्टीपल फीचर इट इज मल्टीवेरिएंट। सो लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म द टास्क टू प्रेडिक्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू वाई बेस्ड ऑन अ गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ओके, हैंस द नेम इज लीनियर रिग्रेशन। इसीलिए इसका नाम क्या है, लीनियर रिग्रेशन है। ठीक
ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आगे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अजम्पशन फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर अजम्पशन क्या है? अजम्पशन फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर अजम्पशन। लीनियर रिग्रेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। हाउएवर इट नीड्स द मीट इट इट नीड्स टू मीट अ फ्यू कंडीशन इन ऑर्डर टू एक्यूरेट एंड डिपेंडेबल सॉल्यूशंस। कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसका होना बहुत ही जरूरी है, जिसके आधार पे हम एक्यूरेट और डिपेंडेबल सॉल्यूशंस को क्रिएट कर पाए। तो कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट आपका लीनियरिटी, पहला पॉइंट आपका लीनियरिटी, दूसरा पॉइंट आपका इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, तीसरा पॉइंट आपका नॉर्मेलिटी होमो स्टी, चौथा है आपका नॉर्मेलिटी, फिर आपका मल्टी को लीनियरिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियरिटी। सो फर्स्ट पॉइंट इज लीनियरिटी, दैट हैज टू दिस इज फर्स्ट कंडीशन। द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव अ लीनियर रिलेशनशिप विद वन अनदर। इफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव लीनियर रिलेशनशिप, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट हैज टू बी फुलफिल। दिस इम्प्लाइज दैट चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉलो दोज इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अ लीनियर फैशन। सो लीनियरिटी उसी चीज को डिनोट करती है। ठीक है, तो पहला हो गया लीनियरिटी, दूसरा हो गया इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस किस चीज को डिनोट कर रहा है? ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो ऑब्जर्वेशन है डेटा सेट के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी भी एक चीज से डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। दिस मीन दैट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ वन ऑब्जर्वेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन। कि एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे के डिपेंडेंट वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित नहीं है। तो यही है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है, ठीक है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर है होमोस स्कैडिसिटी, स्कैडिसिटी सिटी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसका नाम, तो इसको मैं हिंदी में बोल, होमो सी इसको बोलते हैं डेस्टी सिटी, समरूपता, इसका हिंदी में है। टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंसी, सॉरी इंडिपेंडेंसी वी हैव कवर्ड सो फार, सो वी आर टॉकिंग अबाउट होमोस स्कैडिसिटी सिटी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू प्रोनंसिएट इट, बट सी हिंदी में मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका मतलब है समरूपता, समरूपता। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इंपॉर्टेंस इज यू शुड नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस। अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल और वेरिएबल्स, इट मे बी वन वेरिएबल और इट कैन बी मैनी वेरिएबल्स, द वेरियंस ऑफ द एरर्स इन कॉन्स इज कॉन्स्टेंट। जो वेरियंस ऑफ एरर्स है वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी की वेरिंग। सो जो वेरियंस है एरर का इट शुड बी कॉन्स्टेंट। मैं लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट के लिए, समरूपता के लिए जो तुम्हारा वेरियंस है, वेरियंस ऑफ एरर्स है वो होना चाहिए कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ओके, दिस इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज नो इम्पैक्ट ऑन द वेरिएंस ऑफ द एरर्स। जो अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है वेरिएंस ऑफ एरर्स के ऊपर। देखो
देखिए फिर से समझिए, ये किस चीज को डिपिक्ट करता है, किस चीज को समझाता है, किस चीज की तरफ इशारा करता है कि ये कांस्टेंट होने से क्या होगा। तो जो अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी अमाउंट की, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज नो इम्पैक्ट, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा किसके ऊपर, वेरियंस ऑफ एरर्स के ऊपर, एरर के वेरियंस के ऊपर। सो लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ वेरियंस, अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके वेरिएबल और वेरिएबल्स में भी, सो उसकी अमाउंट, वेरिएबल की अमाउंट से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं समरूपता, मतलब एक जैसा, होमो मतलब एक जैसा, मतलब एक स्कैडर, मतलब स्कैडिंग मतलब स्कैटर नहीं कर देते हैं, सो एक समरूपता, एक समान से फैलना, इसको इस तरीके से कह सकते हैं, समान से फैला हुआ है, स्कैडर, स्कैटरिंग होती है ना, स्कैडर करती कोई चीज, टीसीटी, ये एक मतलब एक एडजेक्टिव हो गया कि ये कोई चीज का फैलाव, उसके फैलाव से डिपिक्ट कर रहा है, तो इसको हम होमोजीनियस भी एक तरीके से बोल सकते हैं। ओके फिर फोर्थ है नॉर्मलिटी, और क्या है हमारे पास, नॉर्मलिटी, द एरर इन द मॉडल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए जो एरर है, डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, कंटिन्यूअस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगेन ये तो पूरा स्टैटिस्टिक्स है, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा पढ़िए, या फिर मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, एमएल खत्म होने के बाद में, तो मैं उसके अंदर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज मल्टी कोलिनियरिटी, सो इसके अंदर क्या है कि कोई भी मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, नो मल्टी कोलिनियरिटी, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने डिनोट कर रखा है कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, देयर इज नो हाई कोरिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कोई भी हाईली रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, कोरिलेशन कहाँ से कहाँ वेरी करता है, वन से माइनस, सॉरी माइनस वन से वन के बीच बिटवीन ये वेरी करता है, ठीक है। तो अगर ये वन या माइनस वन है, तो माइनस वन है तो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो गया ये, ठीक है। और जीरो है या फिर देखो 0.5 तक है माइनस या माइनस यहाँ तक, तो ये मॉडरेट में आ जाता है, फिर ये यहाँ पर नियर टू जीरो वीक, सो इस तरीके से कोरिलेशन दिखाता है। कोरिलेशन क्या चीज कहता है कि दो जो वेरिएबल है जैसे एज और डिस्टेंस हो गई, एज और डिस्टेंस एक दूसरे से कोरिलेटेड थोड़ी ना है यार, इसका तो कोरिलेशन जीरो है, क्योंकि भाई कोई घर है उसकी एज के हिसाब से उसकी डिस्टेंस थोड़ी ना होगी कि भाई साहब ये क्योंकि ये बहुत पुराना घर है इसीलिए ये रोड से दूर है, ऐसे थोड़ी ना होता है, या फिर क्योंकि ये बहुत पुराना घर है इसीलिए यहाँ पर है, इस लोकेशन में है, ये कोई बात ही नहीं हुई। तो इतना ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात में मैं कहूँ, उनका कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अब ये तो आपको समझ में आ गया, इसका अजम्पशन हो गया, ठीक है, इसके बारे में डेफिनेशन बताती, मेरे को लगता है आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा हो गया, अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा हाइपोथेसिस फंक्शंस जो लीनियर रिग्रेशन के लिए हैं, कौन कौन से हाइपोथेसिस फंक्शंस हैं, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, फिर बाद में हमारे पास में दूसरे भी हैं, ग्रेडियंट डिसेंट है हमारे पास में, और ये स्टेपेस्ट हो गया, सो ये कुछ करके हैं, मतलब चार पांच हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड है और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हाइपोथेसिस जो फंक्शंस हैं लीनियर रिग्रेशन के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।